वेल, घर के काम काजों के बीच अगर हमें कुछ ऐसी बातें पता चल जाए जो हमारे किचन के समय को कम कर दे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे किचन हैक्स शेयर करने वाली हूं जो ट्राई एंड टेस्टेड तो है ही, प्लस इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, जिससे आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ समय और पैसों की जो बचत होगी वो तो अलग। तो चलिए आज का ये मज़ेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, लेट्स स्टार्ट। चाय पीना तो हम सभी को पसंद है और दिन भर में न जाने कितनी बार घरों में चाय बनता है, बट चाय बनने के बाद इसकी ये जो चाय पत्ती होती है उसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट आपको क्या पता है कि ये चाय पत्ती कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है? मैं इसे जनरल पानी से धो के अपने प्लांट में एज ए प्लांट फर्टिलाइजर यूज़ करती हूँ। ये गुलाब के पौधों के साथ साथ सभी पौधों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम रोटी या फुल्का बनाते हैं और उसे अपने कैसरोल में रखते हैं, रोटी के भाप से बना पानी से नीचे वाली रोटी पूरी तरह से मुलायम हो जाती है और ऊपर वाली रोटी जिन्हें मिले उन्हें तो ठीक, बट लास्ट वाली रोटी जिनकी प्लेट में जाती है उन्हें ये रोटी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो इससे बचने का उपाय ये है कि आप अपने कैसरोल के नीचे लगा दे कोई कपड़ा या किचन टॉवल और इसके ऊपर सारी रोटियों को रखें। ऐसा करने से रोटी ऊपर हो या नीचे की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी रोटियां एकदम परफेक्ट रहेगी और ना ही नीचे वाली रोटी भींगेगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ ये आप डेली लाइफ में जरूर फेस करते होंगे। घर में जब सब्जी आती है तो हम उसे पानी से क्लीन करके ही अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं, लेकिन ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर के साथ सिर्फ पानी से क्लीन करना ही काफ़ी नहीं होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जो हम कभी कभी अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं और जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक पानी से भरा सॉस पैन लेती हूँ, उसमें डालती हूँ 1/4 चम्मच नमक और ब्रोकली वगैरह को इसमें 2 मिनट के लिए बॉयल कर देती हूँ। बॉयल होने के बाद मैं इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेती हूँ। ऐसा करने से ये वेजिटेबल फ्रेश भी हो जाते हैं और इसके अंदर जो भी जर्म्स या कीड़े वगैरह होते हैं वो नमक डालने की वजह से पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, जो हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो अब जब भी ब्रोकली या गोभी को बनाएं तो उसे एक बार इस तरह से ज़रूर वॉश करें। ये जो मैं आप लोगों को टिप्स बताने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एंड यूज़फुल है। अगर आप घर के पनीर के शौकीन हैं और घर में ही दूध से पनीर निकालना पसंद करते हैं और दूध से निकले हुए पानी को आपको पता है ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है, फिर भी हम इसे फेंक देते हैं क्योंकि हमें इसका सही यूज़ करना नहीं पता होता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इसे सब्जी के ग्रेवी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आटा को लगाने के लिए रूप में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से इसके जो पौष्टिक तत्व है वो सारे बरकरार रहेंगे और जरा सा भी वेस्टेज नहीं होगा। मैंने जो सब्जी बनाने के लिए पनीर को निकाला था, मैं वही सब्जी में ये पानी को यूज़ करती हूँ। जनरल पानी मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करती हूँ, पनीर के पानी से ही मैं इस सब्जी को बनाती हूँ और सेम वही पानी से मैं आटा भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ज़रा भी वेस्टेज नहीं होता है, सारे न्यूट्रिशन हमें मिल जाते हैं और हमारा खाना हो जाता है बिल्कुल पौष्टिक। जब भी हम हींग कॉफ़ी वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें डर रहता है कि इसमें मॉइस्चर ना लग जाए। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताती हूँ कि जब भी आप हींग को खोले, मैं आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही छोटा सा निशान लगाया है, बस नाइफ से इसके अंदर इसे इंसर्ट किया है और इसे मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। एक चुटकी हींग काफ़ी होता है किसी भी सब्जी में और जब सब्जियों में हींग डालती हूँ तो एक तो ये परफेक्ट ही गिरता है, प्लस मॉइस्चर लगने का इसमें कोई डर नहीं होता है क्योंकि यहाँ मैंने इसमें बहुत ही छोटा होल किया है। सेम ये चीज़ मैं कॉफ़ी के साथ भी यूज़ करती हूँ, कॉफ़ी बहुत ही जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है, तो मैं इसमें इतना ही होल करती हूँ जितना कि एक छोटा चम्मच इसमें इंसर्ट हो जाए और बाकी के वाले पोर्शन को एज इट इज़ कवर रखती हूँ। हींग कॉफ़ी या ऐसा कोई आइटम जिसमें मॉइस्चर लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, आप उसके कैप में बहुत ही छोटा सा होल कीजिए ताकि इसमें मॉइस्चर लगने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाए। हम सभी के घर में ब्रेड आता है और यहाँ मैं ब्रेड से रिलेटेड आपको 2 बातें बताने वाली हूँ। एक, हमें ब्रेड को कैसे खोलना है। ये जो इसमें सेलो टेप होता है, हमें इसके दोनों पार्ट्स को पकड़कर बस इसे टानना होता है और ब्रेड अच्छी तरह से खुल जाएगा।
अब हम ब्रेड को बना लेते हैं और फिर बचे हुए ब्रेड को हम सोचते हैं कैसे स्टोरेज करें। तो यहाँ आपको किसी भी तरह की रबड़ वगैरह की जरूरत नहीं है, आप जनरली इसे इस तरह से फोल्ड कर दे, अच्छी तरह से एयर टाइट करके आप इसे फोल्ड करें और इसे ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दे। ये देखिए आपका ब्रेड स्टोरेज के लिए तैयार है, ना ही कोई रबड़ लगेगी ना ही किसी तरह का और सामान लगेगा। अगर आपको मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।